Citylive, a platform to sharing your thoughts. नमस्कार, आज हमारे साथ हैं प्रेरणा साहनी, जो न्यूज़ एडिटर दैनिक भास्कर हैं. मैम, अभी जो ये तीन दिन का टॉक जर्नलिज्म TJ19, इसका आज आखिरी दिन है. अब तक का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मैं आपको 6 सालों का एक्सपीरियंस बता सकती हूँ कि ये एक इतना ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म है, इतना खूबसूरत प्लेटफॉर्म है, इतना खूबसूरत मंच है जो अविनाश और उनकी टीम ने और वॉक्स फाउंडेशन ने क्रिएट किया है. आई थिंक एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर एक आवाम की आवाज़ जो है वो सब तक पहुँचती है, और जो पत्रकार हैं इन सब से जुड़े हुए हैं, चाहे वो एक छोटे से रिमोट से गाँव का कोई पत्रकार हो जो व्हाट्सएप पर अपनी खबरें अपना न्यूज़पेपर चला रहा हो, या फिर कोई भी और कोई बहुत बड़ा काम कर रहा हो जिसने बहुत ब्रेकिंग स्टोरीज़ करी हो या जिसने बहुत ही बड़ी चुनौतियों का सामना किया हो पत्रकारिता के क्षेत्र में, वो सब एक मंच पर एक साथ यहाँ पर होते हैं और अपनी बात रख सकते हैं, खुल के बात रख सकते हैं. और सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि ये ऐसा मंच है जहाँ पर पत्रकारिता के स्टूडेंट्स जो हैं, जो छात्र वर्ग है, जो ये सपना देखता है कि वो भी एक बार शायद किसी TV चैनल या अखबार या व्हाट्सएप मीडिया या किसी भी तरह के मीडिया का हिस्सा होगा, वो यहाँ आकर बहुत कुछ सीखते हैं, उनके अनुभवों से बहुत कुछ सीखते हैं. और ये कोई एकेडमिक सेशन नहीं होता, ये एक ऐसी चीज़ होती है जो वो सब अपने अनुभव, अपनी बात रख सकते हैं और अनसेंसर्ड अपनी बात रख सकते हैं. तो इतना अच्छा मंच, इतने सारे पत्रकार, और आप सोचिए पुलित्जर अवॉर्डीज़ आ रहे हैं या विकी लीक्स पुलित्जर अवॉर्डी ऑल्सो. यस्टरडे वी हैड यूजीन जो पुलित्जर अवॉर्डी थे, और मैक्सेसे अवॉर्डी ऑफ कोर्स रवीश वाज़ देयर. तो ऐसे ही मतलब कभी विकी लीक्स का या पनामा पेपर्स, मतलब ये सब एक्सपोजर्स अगर आपको एक साथ अपने शहर में मिले, तो मेरे ख्याल से JLF तो शायद साहित्य प्रेमियों के लिए, लेकिन खबर एक ऐसी चीज़ है जो हम सबको जोड़ती है, सूचनाओं का माध्यम है. तो सूचनाओं से जो इतना अच्छा नेटवर्क तैयार कर ले, वो कार्यक्रम तो वास्तव में अलग ही होगा. तो ये बिल्कुल अलग लीग का कार्यक्रम है, लीग से हटकर है. और 6 साल के अनुभव, मैंने तो उसको बहुत बढ़ते हुए देखा है. हाँ, जब ये नन्ना सा बच्चा था और आज मतलब 6 साल में ही ये उड़ने लगा है. जी, TJ काफ़ी ग्रो कर चुका, और इसमें न सिर्फ हिंदुस्तान के सबसे अच्छे, सबसे नामचीन बल्कि चर्चित पत्रकार आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भी बहुचर्चित पत्रकार यहाँ पे आते हैं, और वो अपने एक्सपीरियंस, अपने काम, उनके खतरे, उनके अचीवमेंट्स, उनके बारे में बताते हैं. ये जो वुड बी जर्नलिस्ट हैं मैम, जो ये देख रहे हैं कि अब जर्नलिज्म, वो चाहे TV जर्नलिज्म हो या प्रिंट मीडिया हो, ये बहुत बड़े बड़े घरानों के हाथ में आ गए हैं. छोटे और मंझोले अखबारों की सेहत बड़ी ख़तरे में है. ऐसे में आपका जितना इस्टेब्लिश्ड अखबार है दैनिक भास्कर ग्रुप, जो हिंदुस्तान में कई जगहों से एक साथ छपता है, आपको क्या लगता है कि क्या छोटे अखबार या लोकल अखबार, जिनको सरकारी एड भी नहीं मिलती, जिनको प्राइवेट एड भी नहीं मिलती, उनको उनके पब्लिशिंग के लिए बड़ी मशक्क़त करनी पड़ती है, उनका भविष्य आपको क्या नज़र आता है? मेरे ख्याल से कल एक सेशन में बहुत खूबसूरत बात सामने आई थी, वो ये थी कि कोलैबोरेशन. क्योंकि खबर अगर इतनी अच्छी हो कि उसके लिए कोलैबोरेट किया जाए, तो रीजनल, वर्नैक्युलर और ग्रामीण क्षेत्रों से जो जितने भी स्रोत होते हैं, पत्रकार होते हैं या उनकी खबरें होती हैं, वो बहुत अच्छे से एक बहुत मास लेवल पर पहुँचाई जा सकती हैं. बट इशू सिर्फ ये है कि कोलैबोरेशन के लिए वो सिर्फ इसलिए कोलैबोरेट नहीं करेंगे कि नहीं, इन छोटे अखबारों को बचाना है इसलिए हम इनके साथ कोलैबोरेशन कर लेते हैं. उनमें ऐसी कोई तो बात होनी चाहिए, अगर वो खबर के बिजनेस में है या वो खबर के क्षेत्र में है, सूचनाओं के क्षेत्र में है, तो उनमें कुछ तो ऐसी खासियत होनी ही चाहिए जिसकी वजह से उनके साथ कोलैबोरेशन किया जाए. और वो सबसे अच्छी खासियत होती है ग्राउंड रिपोर्टिंग, अपने क्षेत्र की नब्स पर पूरी पकड़, और ऐसे ऐसे इश्यूज़ को लेकर आना अखबारों के माध्यम से या चैनल्स के माध्यम से, जो शायद पॉलिसी मेकिंग में एक बहुत बड़ा बदलाव ला दे और जो हमारे देश को एक दिशा दे, एक नई दिशा दे. क्योंकि शायद हम एक बहुत ही एपिडर्मल लेवल पर, एक बहुत ही सतही लेवल पर चीज़ों को अभी देख पा रहे हैं. अगर इस तरह के हमारे पास पत्रकार हों
जो बिल्कुल ट्रिब्यूटरीज की तरह फैले ग्रामीण क्षेत्रों में और वहाँ से इस तरह की खबरें ला सके जो बदलाव का की एक नींव रख सके, तो मेरे ख्याल से वो बहुत अच्छा होगा। तो कोलैबोरेशन सिर्फ इसलिए नहीं होना चाहिए कि हम इकोनॉमिकली कोलैबोरेट कर रहे हैं, हमें न्यूज़ की वैल्यू के हिसाब से कोलैबोरेट करना चाहिए। टू सेव द जर्नलिज्म आल्सो। एब्सोल्युटली, टू सेव द जर्नलिज्म, द स्पिरिट ऑफ कोर्स, द स्पिरिट ऑफ जर्नलिज्म। जैसे कल यहाँ पे एक सेशन हुआ था जिसमें खुल के बोल करके उसका टॉपिक था, जिसमें नमक के खेतों में काम करने वाले लोगों के बारे में बात हुई थी। बहुत आई ओपनर सेशन था वो। तो वो लोग जिनका जर्नलिज्म से सीधा सीधा कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन उन्होंने उन तकलीफ़ों के बारे में बताया जिसको शायद जर्नलिस्ट या तो जानते नहीं हैं या उनके लिए उसकी उतनी न्यूज़ वैल्यू नहीं है। ऐसी और 50 खबरें हैं जिसकी आम जनता के लिए बहुत वैल्यू है, लेकिन लोगों को उसमें, जर्नलिस्ट को उनमें सेंसेशन नज़र नहीं आता या वो उसको छपने लायक नहीं मानते। लेकिन दरहकीकत समाज का आईना तो वही खबरें दिखाती हैं। लेकिन जैसे कल आपने रवीश के सेशन में भी सुना होगा, उन्होंने बोला कि मुद्दे अब भी उठते हैं, रैलियां अब भी होती हैं, लेकिन वो किसी चैनल में या अखबार में कवर नहीं होती। ये सब्जेक्ट के ट्रीटमेंट पे भी बहुत डिपेंड करता है कि आप उसको आमजन से, क्योंकि जब हम अखबार या किसी चैनल के माध्यम से, तो हर अखबार का अपना एक टारगेट ऑडियंस होता है, एक रीडरशिप होती है। हो सकता है किसी दूर दराज इलाके की किसी खबर से मेरा कोई वास्ता नहीं हो, पर देश का वास्ता हो, देश के एक नागरिक का वास्ता हो, तो हो सकता है उसका एक मास ट्रीटमेंट नहीं हो, लेकिन एक लोकल ट्रीटमेंट, एक रीजनल ट्रीटमेंट तो हो ही सकता है। और मेरे ख्याल से आजकल ये एक जो बहुत ही इंटीमेट मीडिया आ गया है, विच इज़ सेलफोन मोबाइल, आप सोचिए उसके थ्रू कितनी अवेयरनेस बढ़ रही है। ऑफकोर्स फेक न्यूज़ है, सब कुछ है, लेकिन वो खतरा अगर अमेरिका में है तो भारत में होना तो कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है, राइट? पर ऐसे इशूज़ सामने आ रहे हैं, इन मुद्दों पर काम हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। मेरे ख्याल से ये शुरुआत बहुत अच्छी है, जो हम सब पत्रकारों को, जिसको जिसका बहुत स्वागत करना चाहिए। Citylive, a platform to sharing your thoughts. जैसे एक मैटर ऑफ कंसर्न ये है मैम, जो कि देहरादून में डेंगू के, कल शाम तक की बात मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा कहते हैं कि तकरीबन 1,00,000 मरीज देहरादून अराउंड हैं, और वहाँ जितने भी बड़े स्कूल हैं, इंक्लूसिव ऑफ दून एंड अदर स्कूल्स, उनमें एक महीने की छुट्टी कर दी गई है। इतनी इम्पोर्टेंट खबर न किसी अखबार में है, न किसी नेशनल न्यूज़ चैनल पे है। तो क्या ये आंख बंद कर लेना है, या ये एक सेंसरशिप है कि कौन सी अखबार सरकार छपने देना चाहती है, कौन सी खबर वीडियो में या और उसमें आनी चाहिए टीवी पे? ये सरकार क्या इतनी पावरफुल हो गई है कि वो एक आम जनता के कंसर्न को इतने आसानी से दबा पा रही है? मुझे लगता नहीं है, क्योंकि हर अखबार जो है वो अपने क्षेत्र में वो सब्जेक्ट उठा ही रहा होगा। नेशनल न्यूज़ रूम का मीडिया इस बात को, शायद हो सकता है उनको उस मोमेंटम का अंदाज़ा नहीं हो, तो हो सकता है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे अगर सपोजिंग हमारे यहाँ पे पॉलिटिकल हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है, तो नेचुरली तवज्जो, क्योंकि हमारे जो पाठक होंगे, इमीडिएट पाठक होंगे, उनकी रुचि उसमें बहुत ज़्यादा होगी। बट हाँ, कहीं ना कहीं नेशनल पेज पर, जिसमें भी मामलात हम सब देश भर के कवर करते हैं, उस पेज पर उसको जगह मिलनी ही चाहिए, और मेरे ख्याल से मिलनी ज़रूरी भी है। इस पर कोई दबाव नहीं होता, मतलब मुझे नहीं लगता कि इस तरह की खबरों पर इसलिए दबाव बनाया जाए कि मतलब किसी को पता नहीं चले, ये तो संभव ही नहीं है। क्योंकि आप तो सोच रहे हैं शायद अगले पल वो वायरल होगा, या टीवी के थ्रू आएगा, या अखबार में आप अगले दिन पढ़ेंगे, उससे पहले तो वो सबके पास सूचना पहुंच, बेशक वो चीज़ें वायरल, आप देखिए अगर अखबार में नहीं छपा, लेकिन आप जानकार हैं उसमें। हाँ, ये वायरल होने की वजह से, ये आम जनता की कंसर्न की वजह से तो है, लेकिन जो जिम्मेदार लोग हैं वो इनिशिएटिव क्यों नहीं ले रहे हैं इस बारे में? नहीं, मेरे ख्याल से जिम्मेदार लोग कहाँ पे, क्या आप यूपी में? बिल्कुल करना भाई हो सकता है, क्योंकि आई थिंक सब चीज़ें इकोनॉमिक स्लोडाउन से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हैं, और उसके अलावा टूरिज्म से जुड़ी हुई हैं, तो मे बी उनके कुछ अपने एप्रिहेंशंस रहेंगे, मतलब ये मेरे निजी विचार हो सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ सेंसरशिप अगर वहाँ पर हो रही है तो उसकी कोई ना कोई ऐसी वजह होगी, लेकिन खबर रुकने की कोई वैसे वजह नहीं होती है। मतलब इतनी इम्पॉर्टेंट और मास यू नो इन्फॉर्मेशन की जो न्यूज़ है, वो उसको सेंसर करने से भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो पहुँच ही चुकी है। एक मैम, हिंदी पत्रकारिता जिसमें कंपेरेटिवली पैसा भी कम है,
और जिनको मैं अभी देख रहा हूँ कि इन तीन दिनों में हिंदी में बोलने वाले कम थे, हिंदी में छपने वाले भी कम थे। तो जब वो हिंदी भाषी क्षेत्रों में बोलते हैं तो क्या अपनी आवाज़ को या अपनी बात को ज़्यादा फैलाने के लिए क्या उनको हिंदी में नहीं बोलना चाहिए? ऐसा नहीं है कि उनको हिंदी बोलना नहीं आती। नहीं, अब जैसे अगर आप कल की बात करें तो मेरे ख्याल से रवीश को हम लोग सब हिंदी में सुनना चाहते हैं, सुनते भी हैं। यही हाल JLF में होता है। आप प्रसून जोशी या किसी को भी आप देखेंगे कि वो हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में ही बोलते हैं। मेरे ख्याल से ऑडियंस को देखते हुए, क्योंकि अगर सपोजिंग आपके को पैनलिस्ट है वो यूजीन है तो उनके बीच में भी तो एक संवाद होना चाहिए, तो उनके बीच में कोई तो ऐसी एक ग्लोबल भाषा होनी चाहिए जिससे वो कनेक्ट कर सके। शशि थरूर, करण था पर दोनों हिंदी बोलना जानते हैं, अच्छी, बहुत अच्छी, और उन्होंने हिंदी में, आपने, मुझे नहीं पता आप AIPC में थे या नहीं, लेकिन वहाँ पर उन्होंने हिंदी का ही इस्तेमाल किया और बोलते भी हैं। लेकिन मेरे ख्याल से वो पहले ही पूछ लेते हैं कि हमारी जो, वो पाठक के हिसाब से खुद को या ऑडियंस के हिसाब से, दर्शकों के हिसाब से खुद को कस्टमाइज़ करते हैं कि हमारे जो जो दर्शक आ रहे हैं वो बेसिकली किस वर्ग से आ रहे हैं या किस भाषा में आसानी से चीज़ों को समझते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है, जैसे मैं अगर अपने अखबार की बात करूँ तो आज तक न्यूयॉर्क टाइम्स या टाइम मैगज़ीन के कंटेंट या वॉशिंगटन पोस्ट के कंटेंट आप लोगों से काफ़ी, हमारे पूरे हिंदी क्षेत्र से काफ़ी दूर रहते थे, लेकिन क्योंकि अब इस तरह के टाइप्स हो रहे हैं, इस तरह के कोलैबोरेशन हो रहे हैं, तो इकोनॉमिस्ट की जो सबसे बड़ी खबर है वो आपको हिंदी में मिल रही है। क्या ये बहुत बड़ी बात नहीं है? क्या ये बहुत बड़ा चेंज नहीं है? ये बहुत बड़ा बदलाव है? तो ऐसा नहीं है, एक हिंदी, लेकिन कहीं ना कहीं एक साहित्यिक भाषा से तो हम दूर हुए हैं। जैसे हिंदी बतौर साहित्यिक भाषा अगर हम उसको देखें तो अखबारों की भाषा अब लोगों की भाषा हो गई, क्योंकि उनको वो पढ़ना, वो दिन भर जिन चीज़ों से एक्सपोज रहते हैं वो सब चीज़ें जो है वो मिली जुली चीज़ें हैं। तो अखबारों में मूलतः हिंदी ही भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन हम उसे विश्वविद्यालय नहीं बोलते क्योंकि वो हमारी जुबान से फिसल चुका है। हम स्कूल की जगह हम ये नहीं बोल, आप अपने घर में अगर बच्चे को भी बोलेंगे कि आप उससे ये पूछते हैं कि बेटा आज आप विद्यालय क्यों नहीं गए, आप नहीं पूछेंगे उससे, आप उससे ये बोलेंगे कि बेटा आप स्कूल नहीं गए, इस तरह आप होमवर्क को, हाँ, आप गृह कार्य बोल के देख लीजिए एक बार, आप इस्तेमाल करके देखिए, फिर आप उसकी प्रतिक्रिया भी देखिए कि हिंदी में आती है या अंग्रेजी में आती है। अच्छा मैम, ये जो TJ-19 है, TJ ओवरऑल है, आपने भी देखा होगा कि दिन ब दिन इसमें पार्टिसिपेंट्स जो अपकमिंग जर्नलिस्ट हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो उनकी तादाद बढ़ती चली जा रही है। आप चूंकि बहुत तजुर्बेकार हैं इस फील्ड में, आप इन बच्चों को क्या बताना चाहेंगी कि ये इसमें वो ग्लैमर की वजह से आएँ या पावर की वजह से आएँ या इसमें एक सर्विस टू जर्नलिज्म? मैं, मुझे ऐसा लगता है कि इट इज़ एक्चुअली सर्विस टू पीपल, बिकॉज आप उनके लिए काम, आप अपने लिए नहीं काम कर रहे बेसिकली, आप अपनी खुशी के लिए, अपने पैशन के लिए इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि आप में वो कला है कि आप जितने भी इश्यूज़ हैं उनको एक्सपोज कर सके, आप उनको पकड़ कर और उनको एक खबर का रूप दे सके, एक खबर का चेहरा दे सके, आप सच को सामने ला सके। तो बेसिकली देखा जाए तो ये मुझे स्पेशली आज जब बात हो रही थी कि महिलाओं को ये नहीं दिया जाता, क्राइम बीट नहीं दी जाती, पॉलिटिक्स में नहीं आने दिया जाता, मुझे बिल्कुल उल्टा लगता है। मुझे लगता है महिलाएं मांगती ही नहीं है, वो आती ही नहीं है, महिला पत्रकार हो ये वो सोच, नहीं 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 कंफर्ट जोन की बात नहीं है, वो ये सोच के बैठी हैं कि वहाँ पर जो 40 लोग बैठे हैं वो तो सब पुरुष हैं, वो इतने सालों से यही काम कर रहे हैं, तो मुझे कौन जगह देगा, मेरी आवाज़ को जगह ही कहाँ मिलेगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक दस्तक तो होनी चाहिए, आप खुलेगा कभी? हाँ, दरवाज़ा खुलेगा कभी नहीं, अभी आप लॉन्ग टर्म भी मत सोचिए। आपके पास अगर कोई आइडिया है, आजकल तो मुझे लगता है कि इट्स सो इजी, एडिटर का ईमेल छपता है वहाँ पर, आप उसको अपना आइडिया भेजिए कि दिस इज़ माय आइडिया और मैं ये स्टोरी करना चाह रही हूँ, ये खबर मैं करना चाह रही हूँ। आप किसी और के लिए खबर का आइडिया मत दीजिए, आप बोलिए मैं करना चाह रही हूँ और मेरे तीन तीन रेलिवेंट पॉइंट्स हैं और मैं सीरियस करना चाह रही हूँ, तो कोई आपको कैसे रोकेगा? एडिटर पढ़ते हैं, एडिटर नहीं पढ़ते तो उनके जस्ट इमीडिएट जो नीचे लेवल वाले होते हैं वो पढ़ते हैं, पर वो उसे फॉरवर्ड तो करते हैं, रिस्पॉन्ड करेंगे। ये डायरेक्ट, ये ऐसा नहीं है कि आपने एक पत्र लिखा, वो चार दिन बाद पहुंचा, फिर एडिटर ने उसको छांटा, फिर उन्होंने पढ़ा, फिर एक वो चल रहा है, आदान प्रदान चल रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप ईमेल, इवन आप देखेंगे कि अखबारों में, हमारे अखबार में एक व्हाट्सएप नंबर छपता है, आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं, आप बहुत आसानी से एडिटोरियल लेवल तक पहुँच सकते हैं।
पत्रकारिता में नई तकनीक कमाल कर सकती है। वो जो ट्रेडिशनल जर्नलिज्म पहले हुआ करता था, अब उसमें काफ़ी बदलाव आया है और बहुत पॉजिटिव बदलाव है। Citylive, a platform to sharing your thoughts.